11th और 12th के लिए कि साइक्लोअल्केन क्या है। साइक्लोअल्केन क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना है। साइक्लोअल्केन के बारे में कहा जाता है कि साइक्लोअल्केन जो है क्लास 11th के क्लास में बेसिक के तौर पे पढ़ना है और 12th में भी इसका एप्लीकेशन होता है, उसका प्रयोग होता है। साइक्लोअल्केन का कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसको IUPAC यानी कि IUPAC सिस्टम में नामकरण के तौर पर साइक्लोअल्केन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए साइक्लोअल्केन को ही शुरू करते हैं। तो साइक्लोअल्केन को जो साइक्लोअल्केन के जो भी बातें बताई जाएगी आप उसे कलम की सहायता से पेज पर नोट करेंगे और कुछ डिफिनेशन भी बताएंगे साइक्लोअल्केन का, उसे आप पेज पर नोट कर लिया कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपसे ये भी कह दे रहा हूँ कि प्लीज जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे लेक्चर को आप लाइन बाय लाइन करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो शुरू कर रहे हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन ये हो गया साइक्लोअल्केन। देखिए साइक्लोअल्केन क्या है, साइक्लोअल्केन का डिफिनेशन क्या होगा, इससे इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। साइक्लोअल्केन के एग्जांपल क्या होंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखिए साइक्लोअल्केन को समझने के लिए मैं आपसे बता रहा हूं कि साइक्लोअल्केन जो है वह हाइड्रोकार्बन है। बताया जाता है कि साइक्लोअल्केन जो होता है वह हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर साइक्लोअल्केन बना होता है। रिमेम्बर इट, मतलब ये कि साइक्लोअल्केन को बनाने के लिए कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर कुछ कार्बन को लिख रहे हैं। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड से हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए। इस सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड या इसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होता है, यहाँ पर इस कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है। 2 और इसमें लगा दें, 2 इसमें और जोड़ दें, यानी कि जितने भी कार्बन लिए है गए हैं इस कार्बन में 2-2 सिग्मा बॉन्ड सभी जगहों पर जोड़ा गया। अब एक और चीज बता देते हैं कि इसे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन को कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड की सहायता से बाइंडिंग कर दिया गया। तो ये हुआ साइक्लोअल्केन। एक और देखेंगे आप इसी तरीके से। अब कार्बन की संख्या हम 4 ले लेते हैं, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसमें हम एक एक कार्बन के साथ, मतलब सभी कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को भी जोड़ दिए गए। मतलब ये कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा गया, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे साइक्लोअल्केन जो है इसमें कार्बन का रिंग है। ये कार्बन का जो रिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के रिंग को कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कार्बोसाइक्लिक कहेंगे, कार्बोसाइक्लिक, इसको हम कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। यहाँ भी जो कार्बन का रूप है, यहाँ भी कार्बन का जो रिंग दिखाई दे रहा है, इस टोटल रिंग को, ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के रिंग को हम कार्बोसाइक्लिक कहेंगे, कार्बोसाइक्लिक, इसे हम कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। अब देखिए साइक्लोअल्केन का डिफिनेशन क्या है। हम बोल सकते हैं कि साइक्लोअल्केन जो है वह कार्बोसाइक्लिक है। मतलब ये कि साइक्लोअल्केन कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। कार्बोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन का रिंग है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो फिर से याद रखना पड़ेगा कि साइक्लोअल्केन जो है वह कार्बो
कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लोअल्केन जो है कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के परमाणु सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं। फिर से साइक्लोअल्केन कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है भाई? कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़ा होता है। एक और चीज आपको बता देते हैं, यहां पर अगर CH4 रहता है तो इस CH4 को मीथेन कहा जाता है। यह अल्केन का पहला सदस्य है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो CH3 हो जाता है जिसको मिथाइल पढ़ा जाता है। और एक चीज बता रहे हैं कि कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये CH4 है, यहां पे हमने CH4 बना दिखाया हुआ है और हमको CH3 करना है तो एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा CH3 और इसमें वो बॉन्ड आकर लग जाएगा। इसको कहेंगे बॉन्ड CH3। बॉन्ड CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। और थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं कि फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दे तो ये हो जाता है बॉन्ड CH2, फिर यहां बॉन्ड लग जाएगा। इसको कहते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन। तो जहां भी CH2 दिखाई देगा उसको हम मिथाइलिन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगेन लिख सकते हैं साइक्लो एल्केन आर कार्बोसाइक्लिक, कार्बो साइक्लिक हाइड्रो कार्बन। साइक्लोअल्केन जो है कार्बो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कि साइक्लोअल्केन जो होता है वो कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। आप देख सकते हैं साइक्लोअल्केन आर कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाई सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के परमाणु सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं। साइक्लोअल्केन में कार्बन का रिंग होता है, कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसलिए टोटली इसको हम बोल सकते हैं कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और सभी जो कार्बन होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे साइक्लोअल्केन कहा जाता है। अब एक और चीज आपको बता देते हैं कि साइक्लोअल्केन जो है उसके एग्जाम्पल को हमने देखा। इस एग्जाम्पल के बाद हम साइक्लोअल्केन को किस किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोअल्केन का और भी सारा कुछ नाम होता है, उन नाम को हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि साइक्लोअल्केन को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए साइक्लोअल्केन को ऐसे में हम कार्बोसाइक्लिक, इसे हम कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसे कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन का रिंग है तो इसलिए कार्बोसाइक्लिक है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। उसके बाद इसे हम साइक्लोअल्केन को दूसरे शब्दों में हम पॉलीमिथाइलिन भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा और मिथाइलिन का मतलब होता है बॉन्ड CH2। अभी बताए थे बॉन्ड CH2 अगर रहेगा और फिर बॉन्ड, इस ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। साइक्लोअल्केन में हर एक कॉर्नर पर CH2 होता है, हर एक कोना पर CH2 होता है, जिसको हम पॉलीमिथाइलिन कहते हैं। तो साइक्लोअल्केन को कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीमिथाइलिन, या इसके अलावा इसे हम तीसरे नंबर पर
साइक्लिक साइक्लिक पैराफीन पैराफीन, इसे हम साइक्लिक पैराफीन भी कहते हैं। साइक्लिक पैराफीन का मतलब ये होता है, पैराफीन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। जिस तरह से हमने अल्केन को बताया था कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसे पैराफीन कहते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसी तरह से साइक्लो अल्केन का जो भी हम कंपाउंड यहाँ लेंगे, साइक्लो कंपाउंड यहाँ पे जो भी बनेगा, सब साइक्लो कंपाउंड जो होंगे वो कम रिएक्टिव होते हैं, और जो भी कम रिएक्टिव होगा, कम क्रियाशील होगा, उसको हम साइक्लिक पैराफीन कहेंगे। इसके अलावा इसे हम एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, कभी भी साइक्लो अल्केन के बारे में पूछा जाए तो साइक्लो अल्केन को कार्बो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉली मिथाइलिन या साइक्लिक पैराफीन या एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये सब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और साइक्लो अल्केन के जो भी कंपाउंड होंगे, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन होगा, इसके बाद साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लो अल्केन का कोई भी कंपाउंड लिया जाएगा वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पड़ा है। रिमेंबर इट। तो ये सारा इसका नाम हो गया, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला। साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा इस पे हम बात करेंगे, उसके बाद साइक्लो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा उस पर हम साइक्लो अल्केन बनाएंगे, और साइक्लो अल्केन के साथ साथ उसमें स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसका जो है नाम लिखा जाएगा, इन सारे चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। CnH2n जिसमें C का मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। C का मतलब होता है कार्बन, N से क्या होगा, N से होगा नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन को सूचित करेगा, और H से जो होगा वो आपका होगा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर CnH2n लिखा हुआ है, CnH2n, इसमें C का मतलब होता है कार्बन, N से होता है नंबर ऑफ कार्बन, और H से होता है हाइड्रोजन। अब देखिए साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइक्लो अल्केन के फॉर्मूला के माध्यम से हम साइक्लो अल्केन बनाएंगे। और एक चीज बता देते हैं कि साइक्लो अल्केन में एन का जो मान होगा वो एन बराबर, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 इटीसी, अगर एन का मान 1 रखेंगे तो यहां पर एन का मान 1 रखने से C1 मिलेगा, एन का मान 2 रखने से हमें C2 मिलेगा, एन का मान 3 रखने से हमें C3 मिलेगा। इस तरीके से अगर हम C1 लेते हैं तो C1 में कार्बन का रिंग नहीं हो पाएगा, अगर हम C2 लेते हैं तो इसमें 2 कार्बन होगा, अगर C3 लेंगे तो 3 कार्बन होगा। यानी कि हमें साइक्लो अल्केन में ये चीज बताया गया है कि कार्बन का रिंग होना चाहिए, कार्बन का रिंग जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के साथ रिंग नहीं हो पाएगा, 1 कार्बन के साथ भी नहीं हो पाएगा, 3 कार्बन का रिंग करना हो तो इसे हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, ये हमारा कार्बोसाइक्लिक हो जाएगा। मतलब ये कि साइक्लो अल्केन में एन का मान जब भी हम लेंगे तो एटलीस्ट
एन का मान तीन लेंगे, तीन के बाद चार पांच छह ले सकते हैं, लेकिन एन का मान इसमें एक दो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक दो लेने पर कार्बन की संख्या एक दो होगा और ऐसे स्थिति में कार्बन का चैन कार्बन का रिंग नहीं बन पाएगा, इसलिए हम साइक्लोअल्केन में एन का मान हम तीन से लेंगे। इसलिए तीन से लेंगे क्योंकि एन का मान तीन लेने से तीन कार्बन का रिंग हो जाएगा। अब हम ये क्लियर कर दिए कि साइक्लोअल्केन में एन का मान कहां से होगा, इसलिए इसमें एन का मान जब भी लिया जाएगा वो लिया जाएगा तीन चार पांच छह सात ऐसे लिया जाएगा। अब चलिए अब एक काम करते हैं, साइक्लोअल्केन का हमने जनरल फॉर्मूला को देखा, इसमें एन का मान हमने देख लिया, अब इस साइक्लोअल्केन के जनरल फॉर्मूला से हम साइक्लोअल्केन का कंपाउंड को बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि साइक्लोअल्केन का नामकरण कैसे किया जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमें लिखना होगा नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। अगर साइक्लोअल्केन का नामकरण करना हो तो साइक्लो प्लस अल्केन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोअल्केन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोअल्केन। कभी भी साइक्लोअल्केन का कोई भी कंपाउंड हो तो हमें पहले साइक्लो लिखना होगा और साइक्लो के साथ अल्केन शब्द को जोड़ देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा साइक्लोअल्केन। अल्केन में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हमें ये सब याद होना चाहिए, जो हम पिछले क्लासों में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्लास में ये चीज को बताए हुए हैं मीथेन इथेन के बारे में। और एक चीज याद रखिएगा, साइक्लो शब्द का मतलब क्या होता है, द मीन ऑफ साइक्लो मीन्स ऑफ साइक्लो। इन जनरली कभी आपसे कोई पूछे कि साइक्लो का मतलब क्या होता है तो साइक्लो का मतलब होता है रिंग ऑफ कार्बन, यानी कि रिंग ऑफ कार्बन को साइक्लो कहेंगे। साइक्लो शब्द कार्बन के रिंग के लिए लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए अब इसी सूत्र के द्वारा साइक्लोअल्केन के फॉर्मूला के द्वारा हम कुछ कंपाउंड बनाएंगे और कौन कौन से कंपाउंड होंगे उसे देखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला चीज ये होगा, हम यहां पर लिख सकते हैं साइक्लोअल्केन, यहां पे मेरा होगा साइक्लोअल्केन और यहां पे होगा इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जी से होगा जनरल जनरल, एम से होगा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और एफ से होगा फॉर्मूला। जीएमएफ को जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य अणु सूत्र। अब आप देख सकते हैं कि साइक्लोअल्केन जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसमें n का मान तीन होता है, चार होता है, पांच छ सात और आठ नौ दस। तो पहले हम यहां तीन रखेंगे तो मेरे पास होगा C3 और यहां भी तीन रखना होगा तो H2 लिख करके यहां तीन लगाएंगे, H2 तो उतार दिए, यहां तीन लगाएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये होगा C3H6 हो जाएगा। अगर इसमें 4 यहां पे रखेंगे तो होगा C4H2 हो जाएगा और यहां भी n का मान 4 रखेंगे तो इस तरह से होगा C4H8 हो जाएगा। मतलब हम ये चीज देख रहे हैं कि जितना यहाँ पे कार्बन रख रहे हैं, जितना यहाँ पे कार्बन रख रहे हैं वह कार्बन का दुगुना हो रहा है हाइड्रोजन। तो अगर हम एन का मान यहाँ पे 5 रख दें तो ऐसे सिचुएशन में C5 हो जाएगा और H2 लिख देंगे और एन का मान यहाँ 5 रखेंगे तो 5×10 हो जाएगा, इस तरह से C5H10 हो जाएगा। इसके बाद C6H12, उसके बाद होगा C7H14, उसके बाद C8H16, इसके बाद C9 और अब होगा H18, C10
H20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे कार्बन हमने लिया हुआ है उस कार्बन में दो से गुणा करने पर हाइड्रोजन की संख्या हो जा रहा है। तो कभी भी याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमें हाइड्रोजन की संख्या निकालना हो तो ऐसे सिचुएशन में हमें कार्बन का दुगुना करना होगा। 3 दुना के 6, 4 दुना के 8, 5 दुना के 10, 6 दुना के 12, 7 दुना के 14, 8 दुना के 16, 9 दुना के 18 और 10 में 2 से गुणा करेंगे 10 दुना के 20 हो जाएगा। दिस इज द साइक्लो एल्केन। ये सब साइक्लो एल्केन है। अब नाम के लिए क्या करेंगे तो हम अभी बताए थे कि पहले हम साइक्लो लिखेंगे और साइक्लो के साथ इसमें 3 कार्बन है तो हमें 3 कार्बन वाले अल्केन को खोजना होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। इसमें 4 कार्बन है, ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन और इसको देखें तो ये होगा साइक्लो पेंटेन। ये मेरा साइक्लो पेंटेन हो जाएगा और इसके बाद अगर हम देखें तो ये होगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन और इसके बाद ये होगा साइक्लो हेप्टेन। नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पे मेरा होगा साइक्लो ऑक्टेन। ये साइक्लो ऑक्टेन हो जाएगा, इसके बाद होगा साइक्लो साइक्लो नॉनेन, साइक्लो नॉनेन और इसके बाद होगा साइक्लो डेकेन, साइक्लो डेकेन। यहां पे छोटा आज कर देते हैं, साइक्लो डेकेन। तो इस तरह से साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, ये साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन और साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो नॉनेन, साइक्लो डेकेन। इस तरीके से ये साइक्लो अल्केन का कंपाउंड बना हुआ है। इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से बहुत ऐसे साइक्लो कंपाउंड है जैसे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन और साइक्लो डेकेन, ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यानी कि ये वाला और यहाँ पे जो ये लिखा गया है, नीचे ये लिखा गया है और यहाँ का एक, ये सब जो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका यूज होता है। IUPAC सिस्टम में के नामकरण करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे ये स्ट्रक्चर को बनाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप देखेंगे स्ट्रक्चर की तरफ चले तो सबसे पहले हमको लिखना होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कॉमा कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन। यानी कि जो भी हमने साइक्लो एल्केन का यहां पे नाम लिखा हुआ था और फॉर्मूला लिखा हुआ था उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं साइक्लो प्रोपेन। आप देख सकते हैं कि साइक्लो प्रोपेन जो होता है, साइक्लो प्रोपेन, आज आपको क्लियर कर देते हैं कि साइक्लो प्रोपेन जो होता है C3H6 होता है साइक्लो प्रोपेन। ये एक्चुअली क्या है, साइक्लो अल्केन है। हम अभी बताया है कि साइक्लो अल्केन क्या है, साइक्लो अल्केन आर कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इन विच द कार्बन एटम आर ज्वाइंट बाय सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन का रिंग बना लेंगे कुछ इस तरीके का, ओके। अब सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट कर देंगे और बाकी प्रत्येक कार्बन के पास दो दो सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा और वहां पे हाइड्रोजन को बाइंडिंग कर देंगे, डेवलप कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा जो बना हुआ है इसको कहेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, SF स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
SF से हो जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इस तरह के जो बना हुआ है इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहेंगे। या C के साथ दो H जुड़ा है तो C लिखकर H2 लिख देंगे, ये CH2 हो जाएगा, ये वाला भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा। इस तरीके से हम सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं। सावधान रहेंगे, ये हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को बनाने के लिए इसमें हमें देखना होगा कि कै गो कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो तीन कोना हम बनाएंगे, इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को शॉर्टकट में BLF कहेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहाँ पे ये कोना, यहाँ वाला कोना, यहाँ का कॉर्नर, ये तीनों कॉर्नर पे जो है कार्बन छिपा हुआ है। कार्बन के साथ देख सकते हैं दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यानी कि इस कॉर्नर का मतलब होता है सी एस टू। यहाँ सी है दो एच जुड़ा है, सी है दो एच, यहाँ भी है सी है दो एच लगा है, यानी कि लिख सकते हैं कॉर्नर मींस, अगर हमसे कोई पूछता है कि कॉर्नर मींस क्या होगा तो कॉर्नर मींस होता है बॉन्ड सी एस टू। बॉन्ड सी एस टू को कॉर्नर के नाम से जाना जाता है, और इसे हम मिथाइलिन ग्रुप कहेंगे, मिथाइलिन, इसको हम मिथाइलिन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर को बनाता है। साइक्लोब्यूटेन, बताया जाता है कि साइक्लोब्यूटेन जो है वो साइक्लोअल्केन है, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोअल्केन है। और साइक्लोब्यूटेन की फॉर्मूला की बात करें हम तो ये होता है C4H8 होता है, रिमेम्बर इट। इसमें कार्बन चार होता है जो कुछ इस तरीके का होगा, सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करके दो दो हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे, डेवलप कर देंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ये हुआ SF स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और आगे हम इसको बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, नीचे बॉन्ड CH2, ये वाला भी CH2, ये हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर बनाना हो तो कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो होता है ये हमें क्लास 11th और 12th दोनों में भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये CH2 सब CH2 है, CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, और इसमें मिथाइलिन ग्रुप की संख्या दो से ज्यादा है, इसीलिए तो इसको पॉलीमिथाइलिन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोअल्केन को क्या कहेंगे तो आप सीधे बोलेंगे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोअल्केन आर पॉलीमिथाइलिन। साइक्लोअल्केन जो होता है वो पॉलीमिथाइलिन होता है, इसके कॉर्नर पर CH2 छिपा होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। अब हम साइक्लोपेंटेन देखेंगे कि साइक्लोपेंटेन का किस तरह के स्ट्रक्चर होता है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, बताया जाता है कि साइक्लोपेंटेन जो होता है वह साइक्लोपेंटेन एक तरह का साइक्लोअल्केन होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है C5H10 होता है, इसमें कार्बन की संख्या 5 होता है, एक जो कार्बन बचेगा इसको हम चाहे तो ऊपर लगा सकते हैं और ऐसे सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे, या यहां नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सिचुएशन में नीचे भी जोड़ सकते हैं, सबसे दो दो हाइड्रोजन को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, दो दो हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे। सावधान रहेंगे, साइक्लोअल्केन का कोई भी फैमिली हो वहां पे कार्बन के साथ हमेशा दो ही हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, नीचे बॉन्ड CH2, यहां पे भी बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में भी CH2। ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो कुछ इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको हम साइक्लोपेंटेन कहेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, और ये रहा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब एक लास्ट हमें पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन। तो बताया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोअल्केन। साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोअल्केन के नाम से भी
जाना जाता है। साइक्लोहेक्सेन को देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें कार्बन का 6 होगा, हाइड्रोजन की संख्या 12 हो जाएगी और कुछ इस तरह का सिचुएशन इसमें बनेगा, एक नीचे कार्बन बढ़ जाएगा, सबको सिंगल बॉन्ड से बाइंडिंग कर देंगे, प्रत्येक जगहों पर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन को ज्वाइंट करेंगे, बाइंडिंग कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, इस संरचना को कहेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होगा, वो कैसे होगा, CH2 फिर यहां भी CH2, फिर नीचे वाला भी CH2, फिर ये वाला भी CH2, सबसे लास्ट में CH2, सबको ज्वाइन कर दिए। ये कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक के साथ साथ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, इसीलिए इसे कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और इसमें प्रत्येक जगह पर CH2 लगा है, इसे पॉलीमिथाइलीन भी कहेंगे। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो इसमें कॉर्नर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर कर देंगे हम, अभी 1 2 3 4 5 कॉर्नर हुआ, एक ऐसे लिया करके सटाएंगे, 6 कॉर्नर हो गया, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। बताया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन में दो फॉर्म होता है, एक होता है चेयर फॉर्म और एक होता है बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन दो तरह का रूप धारण करता है, एक को कहते हैं चेयर फॉर्म यानी कि कुर्सी वाला फॉर्म, और एक होता है बोट फॉर्म जिसको कहेंगे नाव का रूप। यानी कि आप यहां दिखा सकते हैं ऐसे करके, अगर आपसे सामने वाला पूछता है कि साइक्लो एल्केन के कितने फॉर्म होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के कितने फॉर्म होते हैं, तो दो फॉर्म बताइएगा, पहला बताइएगा चेयर फॉर्म और दूसरा होगा बोट फॉर्म। अब आप देखेंगे चेयर फॉर्म का मतलब क्या होगा, कुर्सी का रूप, और बोट फॉर्म का मतलब होता है नाव के रूप, यानी कि नाव के तरह। चेयर फॉर्म बनाना हो तो हमें बॉन्ड लाइन का नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करेंगे, ये हमारा चेयर फॉर्म हो गया, इसको हम चेयर फॉर्म कहेंगे। इस तरीके से हमारा साइक्लोहेक्सेन बना है, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 कार्बन से यहाँ दो दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी, सब जगह पर दो दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि CH2 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 CH2, दिस इज द पॉलीमिथाइलीन। अगर बोट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का होगा, ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ करके, फिर ऐसे घुमा देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, दिस इज द बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ साइक्लो एल्केन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि साइक्लो एल्केन का ज्योमेट्रिक रूप क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद।